राजधानी देहरादून में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। आयोजित बैठक में उत्तराखंड राज्य महिला नीति के तैयार प्रारूप को मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला नीति निर्माण को लेकर बैठक में दिए गए आवश्यक बिंदुओं को शामिल करते हुए अति शीघ्र उत्तराखंड राज्य महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला नीति को प्रदेश की महिलाओं को समर्पित किया जा सके। इसके तहत ही महिला कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को चुनौतियों को कम करने हेतु व्यवस्था बनाने समेत अन्य व्यवस्था बनाने जैसे बिंदुओं को भी उत्तराखंड राज्य महिला नीति में शामिल करने के निर्देश दिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर उसके युवती बनने से लेकर उसके रोजगार परक होने से लेकर उसके विवाह से लेकर और उसके आगे के जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीजों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपने नीतियों में क्या क्या चीजें व्यवस्था देनी चाहिए वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा उसको समीक्षा करने की आवश्यकता थी।